जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स। वैसे ही हर एक मूवी के दो पहलू तो होते ही हैं, अच्छी पिक्चर या बुरी पिक्चर। पर इन दोनों पहलुओं के अलावा एक तीसरा पहलू भी खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर ज़्यादातर मूवीज आती हैं, वो होता है ओके टाइप्स। तो क्या कर सकते हैं, यही हकीकत है, यही फजाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आज मैं अपने चैनल बॉली फ्राइडे पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से कल रात 12 बजे प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म गुलाबों सितारों की। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूंगा अनबायस्ड रिव्यूज टॉप्ड अप विद एंटरटेनमेंट। जैसा कि मैंने आपको मूवीज के तीन पहलुओं के बारे में बताया था, पहला पहलू होता है अच्छी मूवीज का, जो यूनिवर्सली 70% से ज्यादा जनता को पसंद आती है। दूसरा पहलू होता है बुरी मूवीज का, जो 30% से ज्यादा जनता को अच्छी नहीं लगती है। और सबसे ज्यादा मूवीज जो बनती हैं वो होती हैं ओके टाइप्स, जो अच्छी मूवीज और बुरी मूवीज के बीच में पेंडुलम की तरह लटकती रहती है। हाँ, एक और बात, इन सब पहलुओं के अलावा कुछ और पहलू भी होते हैं जो एक मूवी को कॉमर्शियली वायबल बना पाते हैं, जैसे कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन कंपनी, स्टार वैल्यू वगैरह वगैरह। अब सोचो कि आपके पास अमिताभ बच्चन हो, आयुष्मान खुराना हो, सुजीत सरकार जैसा फिल्म मेकर हो, जूही चतुर्वेदी जैसी राइटर हो, और फिर भी आप बनाए एक ओके टाइप मूवी। ना, फिर तो आप बाल बाल बच गए कि आपने सिनेमा रिलीज नहीं किया और ओटीटी पे आ गए, क्योंकि सिनेमा तो दर्शक सिर्फ अच्छी मूवीज देखने ही जाता है, पर भला हो ओटीटी प्लेटफॉर्म का जहां कुछ भी बिकता है। गुलाबों सितारों उन मूवीज में से है जिनसे आप जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो वो पूरी नहीं कर पाती है। 2 घंटे की इस मूवी में आपको लखनऊ के टुंडे कबाब के स्वाद बीच बीच में मिलते रहेंगे, जो कि अपने आप में ही एक ट्रीट है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग के बारे में बात करने का मतलब है दिए को रोशनी दिखाना, पर इसके बावजूद इस बार दिए कम पड़ गए। इस फिल्म में इन दोनों की नोकझोंक आपको काफी गुदगुदाती है, लेकिन बंटाधार वहां हो जाता है जहां इन लोगों के साथ चोरी में दूसरे किरदार इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, जैसे विजय राज, ब्रजेश कैलाश, चेष्टा श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ कमी रह गई, मतलब वो बात नहीं थी। बड़े बड़े फिल्मी ज्ञानी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा यही मानना है कि इस फिल्म की पेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रंटियर एक्सप्रेस के सामने मालगाड़ी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, कैरेक्टराइजेशन और लुक इतनी रॉ है कि ये आपको रियलिस्टिक सिनेमा का एहसास दिलाती है। मैं इस फिल्म से कुछ ज्यादा ही ह्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। कोई नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती है। तो अगर आपके पास टाइम है और प्राइम की सब्सक्रिप्शन है तो देख लो एक बार फैमिली के साथ, क्योंकि साफ सुथरी फिल्म है, पर एक्सपेक्टेशन का टोकरा उतार के देखना, नहीं तो बोलोगे कि गलत बोलता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये हमारे तीसरे पहलू मतलब ओके टाइप्स मूवी है, जो 30-70% के बीच में कहीं पर लटकती है। कोई कमेंट या फीडबैक देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और मेरा ये दोस्तों मानना है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मूवी वही जो दर्शक के दिल को छू जाए।